स्माइलिंग फेस है वो वाला सवाल आप ही ने पूछा था ना अभी लास्ट सवाल आप ही ने पूछा था ना आप ही के चक्कर में सारे सवाल खत्म कर दिए उन्होंने जी जी यार ये टैलेंट जो आप बता रहे हैं इन बच्चों का वही शो की असल जान है द शो इज़ वो ये शो ना मेरा है ना जजेस का है और ना ही किसी और का है ये शो सिर्फ इन बच्चों का है और ये म्यूज़िक से बढ़ेंगे हम इस शो को बढ़ाने वाले भी ये बच्चे ही हैं मैं कहीं भी और जाने से पहले जी में आया था और सो इफ फॉर मी इट इज़ लिटरली कमिंग बैक होम हियर ये मेरे ज़िंदगी के जितने बड़े पड़ाव जो थे जो रहे हैं उनके साथ कहीं ना कहीं एक जी का ताल्लुक रहा है वेदर इट इज़ फाइंडिंग सरगोन इन अ जी टीवी शो माय फर्स्ट शो एज अ हीरो जमाई राजा बीइंग अ गेम चेंजर नाउ सारेगामा पा सो इट्स आई हैव अ ग्रेट रेजोनेंस विद द शो ऑल दीज इयर्स सिंगिंग टैलेंट है मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ पता नहीं लोग मुझे ऐसा क्यों बोलते हैं मैं खराब गाता हूँ अदरवाइज इन माई वर्ल्ड आई थिंक आई एम टेरिफिक बच्चों के साथ मैं दिन में कितने भी घंटे स्पेंड कर सकता हूँ आई लव चिल्ड्रन और मुझे ऐसा लगता है कि आप बच्चों के साथ अगर ज़्यादा वक्त बिताएं तो आप एक बेहतर इंसान बन जाते हैं बिकॉज आप यू ऑलवेज हैव टू ब्रिंग योर सेल्फ अप टू अ चाइल्ड्स लेवल यू नो टू एंड यू आर एट योर बेस्ट बिहेवियर वेन यू आर विद अ चाइल्ड सो कभी भी आप देखेंगे किसी बच्चे से अगर आप बात कर रहे हैं आप कभी भी किसी बच्चे के रूबरू हो रहे हैं तो आप अपने आप को सबसे बेहतर रखते हैं आप कॉन्शियस रहते हैं कि मैं कहीं कोई ख़राब एग्जांपल ना छोड़ दूँ इस बच्चे के ऊपर सो दिस वाज रिक्वायर्ड इन माय लाइफ एंड आई थिंक आई विल बाय द टाइम द शो एंड्स आई विल बी अ मच बेटर ह्यूमन बीइंग देन आई एम राइट नाउ यू सेड दैट यू आर अ वेरी गुड सिंगर नो नो ये मैंने कहा मैंने ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत अच्छा गाता हूँ अभी आप सुनेंगे तो आप गाली बकेंगे गाता मैं भी हूँ सुनता कोई नहीं है बचपन में मैं गाता नहीं था सर मैं खाली नाचता था गानों पे नहीं मेरे को आई एम नॉट मच ऑफ अ सिंगर टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू विच इज़ व्हाई आई एम द होस्ट मेरा अगर मैं कहूँ कि मुझे एक शब्द में अपने पूरे काम को माई जॉब एज एन एंकर आई हैव टू काइंड ऑफ सम इट अप इट इज़ गोइंग टू बी एनकरेजिंग यू नो सो इट इज़ गोइंग टू बी इनकरेजिंग चिल्ड्रन अब अगर एक बच्चा आगे बढ़ता है तो हो सकता है कई बार ऐसा होगा हर एपिसोड में कि कोई बच्चा नहीं आगे बढ़ पाएगा कम से कम इस सीज़न में नहीं बढ़ पाएगा तो आई हैव टू टेल देम एंड दैट इज़ माई जॉब दैट आई हैव टू टेल देम दैट इट इज़ नॉट रिजेक्शन इट्स एन अपॉर्चुनिटी कि आप और बेहतर हों और जो बड़े बड़े मंच आपको बाद में खोज करके निकालेंगे उसमें यू क्रिएट अ ग्रेटर इम्पैक्ट I want to say that I have the greatest talent right next to me. मैं एक बार पहले आपको उनसे इत्तेफाक करा दूँ माई फेवरेट रिचा शर्मा और इनका कमाल आपने देख ही लिया स्टेज पर और हम तो रोज़ ही देख रहे हैं तब से सारे गांव पापे नहीं हम एक दूसरे का कमाल देख रहे हैं वी आर लाइक हम लोग बहुत बहुत एक दूसरे से ऐसे अटैच हो गए सच बोला था रवि ने कि ऐसे लग नहीं रहा है कि हम लोग किसी अलग फैमिली से वी फील लाइक मेरे वैसे भी इन्होंने तो वैसे ही अनाउंसमेंट कर दिया आई हैव नाउ टू ब्रदर्स वन इज़ अपना रवि एंड अदर वन इज शान तो मैं तो प्रिंसेस के जैसे रहने वाली हूँ जैसे रखने वाले सो ही मतलब मैं फर्स्ट डे जब प्रोमो आया तो मैंने कॉल किया था रवि को मैंने कहा रवि यू आर लुकिंग यू आर टॉकिंग लाइक अ स्टार एंड यू आर अ स्टार तो आई एम सो हैप्पी टू हैव यू मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि रवि हमारे साथ जुड़े ओह ऋचा जी यू आर द काइंडेस्ट मोस्ट ब्यूटीफुल You I'm are. really, really in love with the judges here. Leave the forum for Richa ma'am yeah. now and we'll take okay. it. Okay. All yours, Richa ji. Okay. See you. Thank you so much for the questions. Shoot! एक मिनट थोड़ा सब लोग सेटल हो जाओ म्यूज़िक का हाई नोट्स लो नोट्स मिड नोट्स से कोई लेना देना नहीं होता म्यूज़िक का सोल से मतलब होता है और सुर पिच करेक्शन एब्सोल्यूट होनी चाहिए उससे मतलब होता है सुर चाहे वो लड़का गा रहा है या लड़की अगर सुर में नहीं है तो वो मेरे दिल में नहीं है और यहाँ तो मैं इतनी लकी हूँ कि सभी बच्चे बहुत ही अच्छा गा रहे हैं एंड आई एम सो हैप्पी एंड सो लकी टू बी इन दिस शो कि मुझे इतना भरपूर टैलेंट
सुनने को मिल रहा है. ओके रिचा मैम, आल्सो आपसे जानना चाहेंगे, बीइंग अ सूफी सिंगर, एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं सूफी सिंगर. बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, ये पता है मुझे सूफी क्वीन, सूफी सूफी अंदाज वाली रिचा शर्मा, ये सब आप लोगों ने बनाया है. मुझे दो तीन साल पहले या चार साल पहले तक पता भी नहीं था. अच्छा मैं सूफी सिंगर हूँ, ओके आपने बोला मैं सूफी हूँ तो मैंने सूफी सिंगर मान लिया. आप बोलते हैं मैं जब मैं आई थी और मैं बहुत ही ऐसे पेपी सॉन्ग गा रही थी तो आप बोलते थे आइटम सॉन्ग गाने वाली है. तो फिर मैंने कुछ सेमी क्लासिकल गाए, जैसे जुबैदा में मैंने ठुमरी गाई. आप तो सब क्लासिकल बेस्ड गाने गाती, तो जो आप सब बोल देते हैं ना वो मेरे सर माथे आ जाता है. इन दी एंड म्यूज़िक विंस, वो जीतना चाहिए, आपके दिल को छूना चाहिए. तो सॉफ्ट कॉर्नर सिर्फ उसके लिए है जो सुर में गाएगा. शो में बहुत 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 धमाल होने वाला है, लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम इतना मज़ा ले रहे हैं. तो मैं सोचती हूँ जब लोग उनको सामने आंखों से टेलीविज़न पे देखेंगे तो कितने खुश होंगे, क्योंकि म्यूज़िक से बड़ी कहते हैं ना नेमत इस दुनिया में और कुछ नहीं है. नहीं, अगर उनको कहीं लगता है उन्होंने कुछ ऐसा देखा है तो उनको लगता होगा, पर मैं इस वक्त अपने जिस शो में मैं हूँ मैं उसकी बात करूँगी. वो वक्त आपको बताएगा जब वो टीवी पे टेलीकास्ट होगा. अभी मैं बड़ी बातें कर दूँ और बाद में मुझे आप बोलो कि नहीं आप झूठ बोल रही थी, आप सच बोल रही थी, तो सॉरी. तो हुआ बेटर है कि आप देखिए खुद जज कीजिए कि एटलीस्ट जहाँ मैं हूँ वहाँ ड्रामा तो बिल्कुल नहीं होगा. जी अग्री, बिल्कुल बहुत सेंसिटिव होते हैं, ज़रा सी बात पे भी आंसू ले आते हैं आँखों में, उनको उनका दिल बड़ा ही नाजुक होता है. तो हम उनको एग्जैक्टली वैसे ही हैंडल करते हैं जैसे कि उनके घर वाले, उनके परिवार वाले, उनके माता पिता, उनके बड़े उनको हैंडल करेंगे. तो उस वक्त हम भूल जाते हैं कि हम जज हैं. अपनी जजमेंट, अपना जो भी वर्डिक्ट होता है वो हम उनको देते हैं. उसके बाद में अगर वो परेशान हैं या अपसेट हैं या दुखी हैं तो हम उनको अपने बाहों में ले लेते हैं और ऐसा उनको फील कराते हैं कुछ ऐसा बुरा नहीं हुआ, ये एक और स्टेप आगे जाने का. एक कहते हैं ना पतंग को उड़ान ऊंची देनी है तो थोड़ी खिंच लगनी ज़रूरी है, तो वो खिंच देते हैं, उनको प्यार से मना लेते हैं. अच्छा अक्सर आप हमेशा प्यार भरे लफ्ज़ों से अपने बच्चों को बढ़ावा देते हो जी, अगर कहीं वो गलत हो जाते हैं या आपको लगता है कि ये तो आप डांटते भी हो क्या? तो और प्यार देती हूँ. प्यार से हर मुश्किल से मुश्किल जंग जीती जा सकती है. तो फिर मासूम छोटे छोटे बच्चे और इनको डांटने की मुझे लगता ही नहीं ज़रूरत है कि इतने इंटेलिजेंट, इतने समझदार बच्चे हैं कि एक बार कहने पे ही समझ जाते हैं. हाँ थोड़े अपसेट हो जाते हैं, दुखी ज़रूर हो जाते हैं, पर हम उनको फिर से बूस्टअप कर देते हैं अच्छी अच्छी बातें बोलकर उनको. ओके रिचा मैम, अक्सर देखा जाता है कि जजेस के बीच में कभी कभी नोक झोंक भी हो जाती है, तो आप लोग तीनों में? हम बिल्कुल हो ही नहीं सकते, मुझे नहीं लगता. हम लोग इतने पागल हैं ना सबके सब. अमाल तो डालेंगे एकदम ना, वो मेरे लिए छोटा बेबी जैसा, एकदम बच्चे के जैसे. वो मेरा वो रिचा मैम करके, एंड इतना इंटेलिजेंट बच्चा है वो कि जब वो कुछ बात करता है तो मेरे को ये लगता पता नहीं क्या बोलेगा, लेकिन सडनली ऐसी बात बोल देता है, इतनी गहरी बात. तो मेरा मुझे बहुत प्यार आता है उस पर कि ईश्वर उसको बहुत कामयाबी दे, ही सच ए ग्रेट चॉइस फॉर लिटिल चैम्प्स. एंड अगर बात करें शान की, तो शान और मेरा पुराना एक रिश्ता रहा है उनकी मदर की वजह से, कि उनकी मदर ने मुझे बहुत हेल्प किया था मेरे इनिशियल टाइम में. तो आई यूज़ टू कॉल, नॉट कॉल हिम, नो हिम एज इन राजा, नॉट शान. तो एक पुराना समय और पुराने लोग हैं, एक दूसरे को जानते हैं और अच्छी बॉन्डिंग है हम तीनों के बीच में और बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत फन होता है हमारे साथ. वो आपने एक छोटा ट्रेलर अभी देख लिया ना. नहीं बचपन देखने की ज़रूरत नहीं, मैं तो खुद बच्ची बनी वहाँ बैठी हुई हूँ, मैं तो वैसे ही बिहेव कर रही हूँ, मुझे बिल्कुल कोई शौक नहीं है. रिचा शर्मा बड़ी वाली, सीनियर रिचा शर्मा, मैं छोटा बेबी बन के ही वहाँ बैठी रहती, तो उनके साथ मेरा अच्छा एक ना दोस्ती हो चुकी है, बच्चों के साथ दोस्ती हो चुकी है. मैम शो के दौरान एक
हाँ ये दोनों की दोनों मुझ पर डालती हैं वो, उनको पता ये हैंडल करने की, तो नहीं जो सच है उससे बोलने में बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो फॉर्मेट है कि वन बाय वन वो इस माइंड सेट से आए भी हैं, पर यही है कि वो सच्चाई का सामना करने में थोड़ा डरते हैं। तो अगर एक जाना है तो तरीका होता है कि किस तरीके से आप उनको बताते हैं कि ये वीक आप हमारे शो से एलिमिनेट हो रहे हैं। बस उसको मैं ये नहीं कहती हमारे शो में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से बोला जाता है, सब शोज़ में बोला जाता है, ऐसे ही हमारे शो में भी अच्छे से उनको बोला जाएगा, प्यार से समझाया जाएगा, ताकि उनको ये पता लगे कि और आगे जाना है हमें। थैंक यू सर। सर सर आप आगे कर लीजिए ना। विच 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 थैंक यू। नहीं आज की ये शाम बहुत मज़ेदार रही और बाकी बच्चे ने बहुत अच्छा टैलेंटेड परफॉर्मेंस दिया, और मुझे तो शुरुआत का भी वो बहुत मज़ेदार लगा, वो ऑगमेंटेड रियलिटी जब आपकी मेसी फ्रेटर्निटी में से आकर यहाँ गा रहे थे, तो बहुत कम प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं जहाँ इतने फ्लो में स्मूथली, तो मज़ा आया आज। अगर बात की जाए बच्चों की किस तरह कितनी मुश्किलें आई इस तरह के टैलेंट होने के लिए बच्चे, हम तो उन्हें सीधा स्टेज पर देखते हैं सुनते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी जो जी टी वी की जो टैलेंट स्काउट जो टीम है उनकी पूरी नेटवर्क है पूरे देश में, अलग अलग प्रांतों में उनके जैसे कहते हैं ना वो टैलेंट स्काउट्स हैं जो ढूंढ ढूंढ कर बच्चों को लेकर आते हैं, और फिर इतने सालों में इस शो की ऐसी गरिमा हुई है कि लोग अगर किसी अच्छे आवाज़ को सुनते हैं तो खुद आके कॉन्टैक्ट करते हैं कि ऐसी आवाज़ यहाँ है, जैसे नेपाल का बच्चा आया, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमें उनमें से सिलेक्ट करना होता है बच्चा, बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होता है, बहुत दिल टूटते हैं, सबसे ज़्यादा दिल हमारी ही टूटती हैं, तो लेकिन जैसे कल ही हुआ है और सारी रात भर मैं सोया भी नहीं हूँ, कुछ ऐसी आवाज़ रात को जाके वो आया कौन सा, मैं आते ही फिर उनको फ़ोन किया कि वो बच्चा सिलेक्ट हुआ है कि नहीं, हाँ वो तो हुआ है वो, अरे ठीक है, अरे यार सोच रहा था कोई ऐसा गड़बड़ ना हो जाए, तो ये क्योंकि बहुत एक जिम्मेदारी का काम है बच्चों की पूरी, कहीं ना कहीं एक अच्छी सिंगर को अगर हम आगे नहीं लाएँ प्रोत्साहन ना दें तो उसको डिस्करेजमेंट ना हो, ये चक्कर होता है, लेकिन कोशिश यही करते हैं कि जो बेस्ट ऑफ बेस्ट हैं तो आ ही जाते हैं, और जो थोड़े के लिए रह जाते हैं उनमें ये जिद आ जाती है कि नेक्स्ट ईयर जीत के जाएंगे। चालू हो चुका है सर। ऑलरेडी आपका एक वेबसाइट भी है जहां पर आप लोगों को जी, मेरी वाइफ और उनकी कंपनी है हैपीडेमिक, और मैंने देखा है इतने सालों में कि कई बार जो विनर होता है या जो रनर अप होता है उनको लेके काफ़ी हंगामे होते हैं, और फिर जो टॉप 10 जो अच्छे सिंगर्स हैं अच्छे टैलेंट हैं वो गुमनामी खो जाते हैं, तो हमने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ उनको एटलीस्ट रोज़गारी का एक अच्छा सपोर्ट मिले, अच्छे रिस्पेक्टफुल जगहों में उनको गाने का मौका मिले, जैसे बड़े कॉरपोरेट हाउसेज में हो या अच्छे रेस्टोरेंट्स में हो, उनके साथ उनकी मैनेजमेंट टीम हो जो ये मेक श्योर करे कि उनके साथ कोई ज्यादती ना हो, स्पेशली जो लड़कियां हैं यू नो इतने दूर अपने शहरों से दूर बम्बई में हैं, तो इस तरह का एक कंपनी उन्होंने शुरू किया है और काफ़ी सारे यंगस्टर्स को इससे बहुत लाभ हो रहा है और काफ़ी आगे भी बढ़ रहे हैं वो। यही तो जी का कमाल है, यही तो कमाल है, इसलिए तो हमेशा जी के शोज़ आगे रहते हैं क्योंकि उनकी टैलेंट हमेशा सुपर्ब होती है। और मैं आपको एक और अंदर की बात बता दूं कि जब दूसरे शोज़ में भी आप टैलेंट देखते हैं ना, जो देखते हैं उनकी थोड़ी हिस्ट्री निकालेंगे, सब पहले जी से ही शुरू हुए। वो सब लोग बेचारे अरमान को कन्फ्यूज कर दे, मैं कुछ बोल दो। थैंक यू। आप खुश होगी नहीं? आई थिंक मेरे लिए इट्स लाइक अ ड्रीम टू बी हियर विद सच टैलेंटेड जजेस, को जजेस रिचा मैम, शान सर, इन लोग ने अपने करियर में इतना काम, इतनी सफलता पाई है, प्लस इतने हम्बल है, तो इनसे सीखने बहुत मिलता है। इन लोग के सामने मैं तो एक लिटिल चैम्प हूँ खुद ही, एंड मेरा पहला सीजन है एज अ जज, और नथिंग वुड हैव बीन बेटर कि सारे काम आप आके जज बने, क्योंकि ये सबसे क्लियर कट सिंगिंग शो है जहाँ आपकी बाकी बातों को छोड़ के सिंगिंग पे मेन ध्यान रहता है, और मैं वैसा ही इंसान हूँ, मैं क्लियर कट बोलता हूँ और सच बोलता हूँ, और इस शो पे वही आपको नज़र आएगा। शायद कभी कभी मैं थोड़ा ब्लंट हो जाऊँगा, शायद थोड़े थोड़े बच्चों को थोड़ा सा बुरा लगेगा, बट
जो भी मैं कह रहा हूँ, जो भी मैंने सिखा रहा है, एक म्यूज़िक कंपोजर के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ. यू नो, एज एन एल्डर ब्रदर, मैं यहाँ पे सीनियोरिटी दिखाने या ये नहीं दिखाने आया कि मुझे बहुत आता आपको नहीं आता, बिल्कुल नहीं. आई थिंक बच्चों से भी इतना सीखने मिलता है. मेरे खुद असिस्टेंट टीम में 17, 18, 16 साल के बच्चे हैं, हु टीच मी यू नो न्यू थिंग्स. मैंने बोलता वाह यार, आई लर्न समथिंग न्यू. तो हमेशा यही होती है कि कुछ ना कुछ मैं भी सीखूँ, उन्हें भी सिखाऊँ. एंड मैंने जितना इन 11 साल जो मैंने काम किया एज असिस्टेंट, एज कंपोज़र, पिछले 4-5 साल से, मैं वो सब जो मैंने सीखा है फ्रॉम कंपोजर सिंगर्स, मैं उन्हें दूंगा और हेल्प करूँगा. सी, मेन क्राइटेरिया इज़ द सिंगिंग सबसे पहले. और सिंगिंग के भी तीन हिस्से होते हैं कि लिरिक्स प्रोनाउंसिएशन कैसी है, फिर आपके सुर ताल कैसे हैं, और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अलॉन्ग विद सुर ताल फील कैसी है. मैं मानता हूँ बच्चे छोटे हैं और मगअप करते लिरिक्स, पूरा गाना गाने, फील भूल जाते कभी कभी, बट कभी उन्हें रोक के समझा के ट्रेन करके, अगर थोड़ी बहुत उन्हें भी समझाए कि लिरिक ये थॉट ये है, ये कहना चाहते, सरल तरीके से अगर उनको समझाओ, तो आई थिंक उनसे ज़्यादा ऑनेस्ट इमोशन किसी का नहीं होता है. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि सोल और फील पे भी बात ज़्यादा हो, नॉट जस्ट सुरंताल. सुरंताल तो बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए, उसके बिना तो आप सिंगर हो ही नहीं. यानी मैं, एक परसेप्शन होती है कि छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं आजकल, सबको लगता है कि एक्टर्स गाते हैं, ये गाते हैं, सॉफ्टवेयर से गा लेंगे हो जाएगा. नहीं, बहुत मुश्किल है एक सिंगर बनना. अगर आपको अरिजीत सिंह, सोनू निगम, शान सर, के अरमान, राहत फ़तेह अली खान और बहुत सारे, यू नो, उदित नारायण, कुमार शानू सर, इस लेवल की सिंगिंग अगर आपको करनी है, तो मेहनत बहुत है. और मैं मानता हूँ कि यंगस्टर्स को मुझसे, मेरे भाई से एक छोटी सी इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि हमने अपने खुद के दम पे सब हासिल किया. कभी डैड का नाम या फैमिली नेम यूज़ करके हमें काम नहीं मिला, और उसकी और मेरी ट्रेनिंग इतनी इंटेंस रह चुकी है कि हम लोग ये सब जो बच्चे 10 साल की उम्र में नहीं करते थे, वो तब से कर रहे हैं. वो एक रियलिटी शो पे था, मैं अपना काम कर रहा था, असिस्ट कर रहा था. तो आई थिंक ये सीखने मिलता है कि कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप स्ट्राइविंग फॉर मोर, वो बहुत ज़रूरी है. अमाल सर, जैसा कि आपने एक थीम भी दिया कि एक्टर का बेटा, स्टार किड, वो एक चीज़, वो परसेप्शन थी. सबको लगता है कि स्टार किड है यार, इसको तो मिल ही जाएगा. मेरे भाई के साथ भी था, मलिक होने का जितना बड़ा नुकसान हमें हुआ, किसी को नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पिता सक्सेसफुल तो नहीं थे इतने. अन्नू मलिक बहुत सक्सेसफुल थे, उनकी फैमिली सक्सेसफुल है, तो उन लोग के फादर ने जो सक्सेस देखी, हमारे डैड ने नहीं देखी. हमने बहुत गरीबी, बहुत भूखमर्रा, बहुत लो टाइम्स देखे लाइफ में, एंड कहीं ना कहीं उसकी वजह से आज हम लोग को जब इतनी चीज़ें मिल रही है, वी आर अनअफेक्टेड, क्योंकि इट ऑल फील्स लाइक अ ड्रीम. एंड यू नो, मुश्किल होता है कि जब छोटी उम्र से आप इतनी पीड़ा देखते हो, इतने स्ट्रेस देखते हो, इतनी टेंशन देखते हो, तो ईजी नहीं होता. बट हम लोग के साथ कभी नेपोटिज्म या ये सब चीज़ें हुई नहीं है. किसी ने हम लोग को रेकमेंड नहीं किया, और ना अरमान को मुझसे कभी गाना मिला है कि तू मेरा भाई है गा ले. मैं कभी नहीं देता. मेरा गाना एक सिंगर को चुनता है, और मुझे जो लोग चुनते हैं गानों के लिए, वो भी मेरे काम से चुनते हैं. अगर मैं घटिया गाना दूंगा, तो मुझे नहीं लगता कि मेरे ब्रांडिंग या मेरे नाम से या मेरे प्रेजेंस से उन लोग मेरे को काम देंगे. ऐसा नहीं कि आज चलो सारे गाँव पा के आप जज बन गए, चलो कल 25 फिल्में दे ऑफर हो जाएंगी. नहीं होता. आपके अंदर वो गाना होना चाहिए जो बाहर आके प्रोड्यूसर के दिल को छुए, डायरेक्टर को छुए, तो आपका गाना पहुँचता है. क्या क्या जी, मैंने आपको बताया ये टीज़र है. बहुत सारे और सिंगर्स हैं जिनकी और वर्सिटैलिटी आपको दिखाई देगी शो पे, तो यू हैव टू वेट फॉर 9th February, सैटरडे संडे 9 PM, सारे गाँव पर लिटिल चैम्प्स जी TV पर. थैंक यू सो मच. थैंक